नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उनके लिए है जो अपनी नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या उपाय करें, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 85% महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया से बच्चों को जन्म देती है, जबकि 15% महिलाओं को चिकित्सकीय समस्या के चलते सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। आजकल सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज्यादा होने लगी है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी से भविष्य में कई तरह की परेशानी होने का खतरा रहता है। नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को ठीक होने में अधिक समय लगता है। सामान्य प्रसव के कई फायदों को देखते हुए हम इस वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या करना चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहली बात, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहला काम है कि तनाव न लें। प्रेगनेंसी के दौरान तनाव होना एक आम बात है। इस समय आपको चिंता एवं तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चिंता और तनाव चलते आगे चलकर नकारात्मक सोच का जन्म होता है। इस दौरान आपको चिंता और तनाव से दूर रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। किताबें पढ़ें, गाना सुने, मनोरंजन के अन्य साधनों से दिमाग को तनाव से दूर रखें। अच्छे लोगों और अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच और आपको असहज महसूस कराने वाले लोगों से दूरी बना के रखें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सकारात्मक सोचें। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी और मुश्किल दोनों स्थितियां पैदा होती हैं। असफल मामलों के बारे में सुनने से आपको ज्यादा घबराहट और चिंता हो सकती है, और इससे आपको पैनिक अटैक भी हो सकता है। अगर कोई महिला अपनी डिलीवरी की परेशानी के बारे में बताए, तो आप उन बातों पर ध्यान ना दें और वहां से थोड़ा दूर चली जाएं। डिलीवरी की मुश्किलों के बारे में आसपास के लोगों या दोस्तों से बात ना करने को कहें। प्रसव के सभी मामले एक जैसे नहीं होते। अगर आपके दोस्त को नॉर्मल डिलीवरी में समस्या आई है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी उस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर भी समझदारी से चुने। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सहूलियत के अनुसार ही डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर भी अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सी सेक्शन का सुझाव देते हैं, इसलिए आपको समझदारी से काम लेते हुए अपनी डिलीवरी के लिए ऐसे डॉक्टर चुनने चाहिए जो सी सेक्शन को अंतिम विकल्प मानते हो। इस बात का ध्यान न दे कि डॉक्टर और क्लिनिक में अधिकतर नॉर्मल डिलीवरी ही की गई हो। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में अपने डॉक्टर के विचारों को जानने के लिए उनसे बात करें। अगर आपको महसूस हो कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको डॉक्टर बदल लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। नॉर्मल डिलीवरी से पहले आपको ज्यादा से ज्यादा प्रसव और डिलीवरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी और डिलीवरी से संबंधित सभी विषयों पर व प्रश्नों पर बात करें। गर्भावस्था से संबंधित किताबों को पढ़ें। अपनी माँ या घर की बुजुर्ग महिलाओं से इस बारे में बात करें और उनके अनुभवों से प्रेगनेंसी को समझने का प्रयास करें। नॉर्मल डिलीवरी के प्राकृतिक रूप से मदद होने वाले उपाय जैसे आराम करना, सांस पर ध्यान देना और ठीक होने की प्रक्रिया को भी अच्छी तरह से समझें। गर्भावस्था में महिलाओं को बच्चे जन्म के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनने में मददगार प्रीनेटल क्लासेस में जाना शुरू करें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको टहलना या सैर के लिए जाने की जरूरत। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको टहलने या सैर पर जाने के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आरामदायक जूते खरीदें। घर के आसपास या नजदीक पार्क में कम से कम 30 मिनट सैर पर जाएं। हाई बीपी और बेचैनी की समस्या से राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी के दौरान स्विमिंग करना आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होने में मदद करेगा। इससे आपकी हृदय की गति नियंत्रित रहेगी, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और आप स्वस्थ बनेंगी। स्विमिंग आपको मांसपेशियों की चोट से बचाती है। कीगल एक्सरसाइज से आपकी जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिससे प्रसव पीड़ा कम होने में मदद मिलेगी। आप कैट पोजीशन एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे पेल्विक मांसपेशियां ढीली होती हैं और पीठ का निचला हिस्सा लचीला बनता है। योग भी नॉर्मल डिलीवरी में सहायक होता है। इससे आपकी श्वसन प्रणाली ठीक होती है, जो आपको प्रसव व डिलीवरी में मदद करेगी। कुछ योग आसन प्रेगनेंसी के लिए बेहतर साबित होते हैं, जिनमें आपकी पीठ के निचले हिस्से में होने वाला तनाव कम होता है। योग करने से आपके सीने, कंधे और कूल्हे में खिंचाव आता है। आप योगा क्लासेस जाकर नॉर्मल प्रेगनेंसी में की जाने वाली योग आसन सीख सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए नियमित पेरिनियम मसाज करें। प्रेगनेंसी का सातवां महीना पूरा होने पर योनि
और मलद्वार के बीच के हिस्से पेरोनियम में मसाज शुरू कर देनी चाहिए। इस मसाज से आपको प्रसव पीड़ा, प्रसव और तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। इसके मसाज को आप अंगूठे की मदद से कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के उपाय। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको सही शारीरिक मुद्रा का होना बहुत जरूरी है। आपकी शारीरिक मुद्रा का नॉर्मल डिलीवरी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी शारीरिक मुद्रा ठीक हो तो डिलीवरी के समय बच्चे को बाहर आने में आसानी होती है। लंबे समय तक बैठना या खड़े होना, गलत तरीके से सोना, हाई हील सैंडल पहनना और कमर में कसकर बेल्ट बांधना आपके शरीर की सही मुद्रा में प्रभाव पड़ता है। बैठते समय पीठ पर किसी चीज का सहारा लगाएं। प्रेगनेंसी के दौरान रीढ़ की हड्डियों पर दबाव पड़ता है और सही तरह से न बैठने पर आपका दर्द बढ़ सकता है। लंबे समय तक पैरों को नीचे लटकाने की वजह से आपके पैरों में सूजन हो सकती है। इसकी जगह आप पैरों को मोड़कर आराम से बैठें। बैठते समय या किसी चीज को उठाते समय आगे की ओर ज्यादा ना झुकें। इसके अलावा सीढ़ियों का प्रयोग भी कम करें। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए वजन को नियंत्रित रखें। प्रेगनेंसी के दौरान मोटापे का पता लगा पाना मुश्किल होता है और यह आपको नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर आप मोटी हो गई हो तो डिलीवरी के समय बच्चे को बाहर आने में मुश्किल हो सकती है। सामान्य प्रसव के तरीके और घरेलू उपाय। दोस्तों, सामान्य प्रसव के तरीकों में संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। आहार आपके स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाते हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार खाने से नॉर्मल डिलीवरी में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अपने आहार में नियमित रूप से फल, सब्जी, कम वसा वाला मीट, फलियों और डेयरी उत्पादन को शामिल करें। हरी सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अधिक आयरन की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को आहार में लेना चाहिए। आपको विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ को खाने से बचना चाहिए। समुद्री आहार को भी अपनी डाइट में शामिल करें। चीनी को कम से कम खाएं। बाहर का खाना ना खाएं। बाहर के खाने में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ब्रोमलेन युक्त आहार लें। ब्रोमलेन एक तरह का एंजाइम होता है जो आपके गर्भाशय ग्रीवा को मुलायम बनाता है और प्रसव को उत्तेजित करता है। आम और अनानास में अधिक मात्रा में ब्रोमलेन पाया जाता है, लेकिन आपको ब्रोमलेन युक्त फल ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे समय से पहले प्रसव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मसालेदार भोजन करें। इस भोजन से शरीर में गर्माहट आती है और नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को मसालेदार भोजन से पाचन संबंधी समस्याएं, सीने में जलन और दस्त की समस्या हो सकती है। अगर आपका मसालेदार खाने में समस्या हो तो इस उपाय को ना आजमाएं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही जरूरी है, पानी की कमी ना होने दें। स्वस्थ रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब आप गर्भवती होते हैं तो पानी आपके लिए बेहद जरूरी होता है। प्रसव आपके शरीर के लिए मुश्किल दौर होता है। इस समय आपके शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पानी से आपके शरीर को ऊर्जा और स्टेमिना मिलता है। इससे आपकी नसों में तरल की कमी की संभावना बेहद कम हो जाती है। शरीर में पानी की रोजाना जरूरत को पूरा करने के लिए आप जूस या अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले तरल ले सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यह एक बेहतर उपाय माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।